एज टू माउट टैक। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा फास्टेस्ट गेमिंग फोन्स कौन से हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमारे लिस्ट में पहला फोन आता है Xiaomi की तरफ से आने वाला ब्लैक शार्क सी प्रो। तो दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आता है 7.1 इंचेस का QHD AMOLED डिस्प्ले जो कि आता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में यार। तो दोस्तों इसमें जो क्वालिटी आएगी ना वो बहुत बेस्ट आएगी यार। तो आपको है ना गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ उसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत बेस्ट देखने को मिलेगी यार। जो इसमें प्रोसेसर भी है ना यार वो भी कम नहीं है यार। इसमें आता है स्नैपड्रैगन A65 Plus जो कि 7 nm पर बेस है दोस्तों, और इसमें एंड्रीनो 650 GPU भी है दोस्तों। तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बेस्ट देखने को मिलेगी, ये तो गारंटी हो गई है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी बढ़िया है गेमिंग के वास्ते और डिस्प्ले भी अंगार दे दिया है दोस्तों इसने। तो दोस्तों अगली चीज़ जो आती है ज़रूरी गेमिंग के लिए वो है बैटरी। तो इसमें बैटरी भी बहुत बढ़ी दिया है दोस्तों, तो आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस के साथ आपको बैटरी भी बढ़ी दिया है दोस्तों इसने। 5000 mAh की बैटरी दिया है, और दोस्तों इसकी आप फास्ट चार्जिंग सुनेंगे ना बहुत खुश हो जाएंगे यार। इसमें 65 watts की फास्ट चार्जिंग है दोस्तों जो कि आपके मोबाइल को 40 मिनट में है ना फुल कर देगी यार। तो आप यकीन फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर दोगे यार, तो बहुत मज़ा आएगा। तो और भी बहुत से फीचर है इस मोबाइल में जो आपको है ना बेस्ट गेमिंग प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो आप इस मोबाइल को है ना रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को भी। तो दोस्तों जो अगला फ़ोन है वो आता है नोबिया की तरफ से रेड मैजिक 5G दोस्तों। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आता है 6.6 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में दोस्तों। तो इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो है 144 Hz। तो यार आपको ये है ना गेमिंग के लिए बेस्ट होगा है दोस्तों, क्योंकि आपको है ना जो क्वालिटी देखने को मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। पर ये QHD नहीं ना, तो ये एक बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि QHD में आपको ज़्यादा क्वालिटी देखने को मिलेगी वो तो खुली बात है दोस्तों। बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। इसमें भी आता है स्नैपड्रैगन 865 Plus जो कि 7 nm पर बेस है दोस्तों। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आती है 4500 mAh की बैटरी जो सपोर्ट करती है 55 W की चार्जिंग को। तो इस मोबाइल में और एक फीचर है दोस्तों, तो ये मोबाइल है ना 8K वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है। पर दोस्तों ये एक बुरी बात है कि ये दोनों फ़ोन इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ब्लैक शार्क तो बाद में आ जाएगा दोस्तों, पर नोबिया वाला ज़्यादा फ़ोन इंडिया में लॉन्च नहीं करता है दोस्तों, तो आप ब्लैक शार्क के लिए रुक सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में आता है अगला फ़ोन OnePlus 8 Pro। दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आता है 6.7 इंचेस का QHD फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों जो HDR10+ सपोर्ट करता है दोस्तों। तो इसका रिफ्रेश रेट है 120 Hz यार, तो आपको रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है इसमें, तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी दोस्तों। और इसमें भी आता है स्नैपड्रैगन 865 Plus जो 7 nm पर बेस है दोस्तों। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आती है 4510 mAh की बैटरी दोस्तों जो सपोर्ट करती है 30 W की चार्जिंग को दोस्तों। तो आपका मोबाइल 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा दोस्तों, और इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है दोस्तों 30 W की, तो ये भी एक अच्छी बात है, आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो 55,000 रुपये यार, तो आपको है ना बहुत पैसे डालने होंगे इस मोबाइल के लिए। दोस्तों हम अगले फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला फ़ोन है Realme X50 Pro 5G दोस्तों। जैसा कि आपको लग रहा है दोस्तों इसके नाम के हिसाब से ये 5G फ़ोन है दोस्तों, और ये इंडिया में अवेलेबल है दोस्तों। और इसमें भी आता है स्नैपड्रैगन 865 Plus जो 7 nm पर बेस है दोस्तों, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर ही है, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है दोस्तों फ़ोन। तो दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आता है 6.4 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों जो आता है 90 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में दोस्तों, HDR10+ सपोर्टेड है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आती है 4200 mAh की बैटरी दोस्तों, और जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है ना वो बहुत बेस्ट है यार। इसमें 65 W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया है दोस्तों इसमें, तो आपका मोबाइल 40 मिनट में फुल हो जाएगा दोस्तों, तो आप है ना फिर से गेम खेलना चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो यार ये ज़्यादा कॉस्टली मोबाइल नहीं है, तो आप है ना इसको है ना अफोर्ड कर सकते हैं। 40,000 का इसका स्टार्टिंग प्राइस है कुछ, तो आपका ज़्यादा बजट ना हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं दोस्तों। जो मैं अगला आपको मोबाइल दिखाने जा रहा हूँ वो मोबाइल नहीं है दोस्तों, ये सीरीज़ है दोस्तों, तो आप इनमें से कोई लेना चाहेंगे तो ले लेना। तो शायद कुछ लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ iPhone 11 सीरीज़ की। तो दोस्तों गेमिंग की बात करें तो हम एप्पल को कैसे भूल सकते हैं यार। तो दोस्तों एप्पल ने जो हमारे लिए लाया है A30 बायोनिक चिपसेट यार दोस्तों, जो फास्टेस्ट चिपसेट है दोस्तों वर्ल्ड का, तो वो चिपसेट लाया दोस्तों एप्पल ने। तो आप सोच ही सकते होंगे दोस्तों जो परफॉर्मेंस होगी वो बेस्ट ही होगी ना। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो बात है, पर दोस्तों एप्पल ने ना iPhone SE 2020 भी लाया दोस्तों, तो आपको है ना 40,000 की रेंज में मिल जाएगा, तो उसमें यही चिपसेट है दोस्तों, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो बस दोस्तों हमारे फ़ोन की लिस्ट तो यहीं ख़त्म हो जा रही है। पर दोस्तों आप अगर बोलेंगे ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन से यार, कुछ हल्के फुल्के भी बता दें हमें, दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको आप ले सकते हैं Realme का X2 Pro दोस्तों, वो भी एक अच्छा आपको गेमिंग में साबित होगा दोस्तों फ़ोन, या ब्लैक शार्क 2। अगर आप चाहते हैं मैं इन पे अलग वीडियो बनाऊं तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए नीचे। और हाँ दोस्तों मैंने बहुत सी डिटेल स्किप कर जाए इन फ़ोनों की दोस्तों, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो देख लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही यार, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।